हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ संगीता एंड यू आर वाचिंग नॉलेज ट्रैक आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय हैरी हेस, एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट इन द ईयर ऑफ 1960। इसके पहले मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए एंड उस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के डिफेक्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है उसको ठीक करने की कोशिश करता है तो चलिए शुरू करते हैं ये जो इमेज आपको दिख रही है ना ये एक्चुअली कौन है ये है हैरी हैस ये एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने नाइनटीन में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दिया था ठीक है देर आर समिफेक्ट्स इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि कॉन्टिनेंटल रिफ्ट थ्योरी के कुछ डिफेक्ट्स थे एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनें इज गिवन बाई एल्फ्रेड वेगनर कहने का मतलब क्या है एल्फ्रेड वैगनर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था उसमें उन्होंने ये तो कहा था कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं बट उसके पीछे का क्या कारण है क्या रीज़न है वो उन्होंने कुछ फोर्सेस को रिस्पॉन्सिबल बताया था मैंने कहा था ना लास्ट वीडियो में बट ये क्या पॉसिबल है कि वो फोर्सेस इतने पावरफुल है कि कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कर पा रहे हैं चलिए देखते हैं थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को फिर हम सी फोर्स थ्योरी समझ पाएंगे ओके सो so, ये जो है ये है हमारे एल्फ्रेड वेगनर ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ठीक है ही वॉज़ मेट्रोलॉजिस्ट तो ये एक्चुअली क्लाइमेट चेंज के बारे में पता करने चले थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो जब ये क्लाइमेट चेंज का कारण पता कर रहे थे तो इनको दो चीज़ों के बारे में पता चला कि कुछ वेजिटेशन है या कुछ कोल्ड डिपॉजिट्स हैं जो आज हमें इस इक्वेटर वाले रीजन पे दिख रहा है जो आज हमें ये इक्वेटर आप देख पा रहे हो जो इक्वेटोरियल रीजन के पास जो कोल्ड डिपॉजिट्स हैं क्योंकि यहाँ पर हैं तो चलो ठीक है हमने मान लिया क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रेनफॉल ज़्यादा होता है एंड टेम्परेचर हाई होता है तो चलो ठीक है फॉसिल फ्यूल्स यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं तो उन्होंने देखा कि नहीं ये फॉसिल फ्यूल्स हमारे इस एरिया में भी है ठीक है तो ये तो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली ये फॉसिल फ्यूल्स तो होना आ, कैसे हो सकता है मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे यहाँ पे है वो यहाँ कैसे हो सक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो ना रेनफॉल है और ना ही ज़्यादा टेम्परेचर है तो कहने का मतलब है कि इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल तो उन्होंने बोला कि या तो क्लाइमेट उस टाइम चेंज रहा होगा या तो कॉन्टिनेंट्स एक साथ रहे होंगे ठीक है तो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए होंगे बाद में पहले एक साथ हुए होंगे तो इतना तो आसान है नहीं कि उस टाइम क्लाइमेट इतना चेंज हो जाए कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली उन्होंने कहा कि नहीं कॉन्टिनेंट्स ही ड्रिफ्ट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो आप देख पा रहे हो ना ये कॉन्टिनेंट्स जो है ये कॉन्टिनेंट्स का जो अभी पोजीशन है ये पहले नहीं था ठीक है उन्होंने कहा कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो इमेज आप देखो यहाँ पे ये साउथ अमेरिका का मैप जो आप देख पा रहे हो ये एंड ये अफ्रीका तो कहीं ना कहीं एक ये और एक ये ये जो शेप है ये मिल जा रहा है ये इसके साथ ये फिट हो रहा है एंड इधर ये जो है ये इसके साथ फिट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में फिट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो जिग्स ऑफ फिट बोल रहे हैं इसको जिग्स ऑफ फिट के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले कॉन्टिनेंट्स थे वो सब एक थे एक लैंडमार्स था चलिए हम समझते हैं उन्होंने क्या कहने की कोशिश की ठीक है उन्होंने पहले तो कहा कि जो कॉन्टिनेंट्स सारे उन्होंने कॉन्टिनेंट्स को क्या नाम दिया उन्होंने कॉन्टिनेंट्स को नाम दिया सिया ठीक है सियाल एंड उन्होंने ओशंस को क्या नाम दिया उन्होंने ओशंस को नाम दिया सीमा ओके okay. उनके कहने के अकॉर्डिंग जो कॉन्टिनेंट्स थे वो थे सियाल एंड जो ओशंस थे वो थे सीमा एक बड़ा सा लैंड मास उन्होंने बोला कि जितने भी सारे कॉन्टिनेंट्स वो पहले एक बड़ा लैंड मास था जिसका नाम उन्होंने क्या कहा जिसका नाम उन्होंने कहा पैंजिया ओके okay. एंड एक बड़ा सा वाटर बॉडी था एक ही वाटर बॉडी था एक बड़ा सा वाटर बॉडी था जिसका नाम उन्होंने दिया पैंथालासा ओके तो पहले तो उन्होंने कहा पैंजिया फिर कहा उन्होंने पैंथालासा एंड कॉन्टिनेंट्स को उन्होंने नाम दिया सियाल एंड uh, सीमा को उन्होंने बोला ओशंस ठीक है तो उनके अकॉर्डिंग एक बड़ा सा वाटर बॉडी था इसको हम क्या कहते हैं पैंथालासा एंड इसके अंदर जो था वो पैंजिया था यानी कि कॉन्टिनेंट्स था तो उनके अकॉर्डिंग क्या था सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा उन्होंने ऐसा कहा कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है यानी कि पैंजिया जो है वो पैंथालासा पे फ्लोट कर रहा है तो उनके अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए कैसे वो टूटा ब्रेक हुआ ये जो पैंजिया बड़ा सा लैंड मार्क्स है वो बाद में ब्रेक हुआ फर्दर इस तरह से ब्रेक हुआ एंड ब्रेक होने के बाद ये जो अपर पार्ट है इसको उन्होंने कहा अंगारा लैंड ठीक है एंड ये नीचे वाला जो पार्ट है उसको उन्होंने कहा गोंडवाना लैंड तो अंगारा लैंड को हम लोग लोरेशिया भी कहते हैं एंड गोंडवाना लैंड ये साउदर्न पार्ट जो है तो जब कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए तो उन्होंने कुछ फोर्सेस के नाम बोले जैसे कि ये जो आप अंगारा लैंड देख रहे हो जब कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए तो ये एक्चुअली वेस्ट वर्ड इस तरह से मूव करने लगा एंड गोंडवाना लैंड ये सेंटर की तरफ चला गया या इक्वेटर वर्ड चला गया तो ये जो अंगारा लैंड है ये अंगारा लैंड टाइडल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून के वजह से हुआ है ठीक है टाइडल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून ये आप याद रखिएगा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टाइडल फोर्स और ये जो गोंडवा ना लाइन जो इक्वेटर वर्ड मूव है इसके पीछे उन्होंने कारण दिया है फोर्स ऑफ बियॉन्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हो ठीक है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस वजह से ये जो है वो मूव कर रहे हैं और फर्दर ये ब्रेक हुआ है जाहिर सी बात है आप यहाँ पे देखो ये जो आप देख पा रहे हो ये जो पैंजिया है ये पहले इस तरह का एक बड़ा सा लैंड मार्क्स हुआ करता था उनके अकॉर्डिंग देख रहे हो तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप इसको देखने की कोशिश करो ये हमारा है इक्वेटर एंड ये है हमारा अंगारा लैंड अंगारा लैंड को हम लोग क्या कहते हैं लॉरिशिया यहाँ पे लॉरेशिया है और ये है हमारा गोंडवाना लैंड आई होप आपको समझ आ रहा है देखो ये यूरेशिया है नॉर्थ अमेरिका ये सारे हमारे क्या है? आ, हैं अंगारा लैंड में पड़ते हैं गोंडवाना लैंड में है हमारा साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका सॉरी अफ्रीका इंडिया अंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि बड़ा सा लैंड मार्क्स था एंड बड़ा सा एक वाटर बॉडी था वाटर बॉडी के ऊपर लैंड मार्क्स क्या कर रहा है फ्लोट कर रहा है एंड ऐसा उन्होंने कहा अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो अंगारा लैंड है ये हमारा ये जो अंगारा लैंड है ये इस तरफ मूव हो रहा है वेस्ट वर्ल्ड की तरफ और ये हमारा इक्वेटर वर्ल्ड की तरफ मूव हो रहा है तो इसके पीछे किसका कौन सा फोर्स था टाइडल फोर्स था मैंने कहा और इसके पीछे किसका फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स ओके क्या ये पॉसिबल है इतना कैसे फोर्स के पास पावर हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर टाइटल फोर्स फोर्स और से में इतना पावर कैसे आ गया कि इतने बड़े लैंड मार्क्स को ये एकदम ड्रिफ्ट करके रख दें तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप देखो इतना बड़ा कॉन्टिनें इसको मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है इस फोर्स को ही यही जो था टल ड्रिफ्ट थोरी का डिफेक्ट था चलिए हम लोग डिफेक्ट्स की तरफ चलते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है uh, समझने की कोशिश कीजिए द फोर्स अप्लाइड बाई वेगनर दट इज डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ बियॉन्स एंड टाइडल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून आर नॉट सफिशियंट इनफू ड्रिव द कॉन्टिनेंट सो अपार्ट तो ये जो फोर्सेस हैं टाइटल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी ये जो फोर्सेस हैं ये इतने इनफ इतने सफिशिएंट नहीं थे कि वो इतने बड़े लैंडमार्कस कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करा सके ठीक है तो सबसे पहला कारण ही तो सबसे पहला डिफेक्ट ही तो यही था एंड बोथ द कोस्ट ऑफ एटलांटिक ओशन बोथ द कोस्ट ऑफ एटलांटिक ओशन नॉट बी कम्प्लीटली रीफिटेड देखिए ये जो लाइन है इसको समझने की कोशिश कीजिए हम लोग फिर से वर्ल्ड मैप में चलते हैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप में कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये जो है ये हमारा क्या है ये हमारा कोस्ट है ये जो है ये हमारा क्या है ये कोस्ट है इधर ये अफ्रीका का भी कोस्ट है तो कहीं ना कहीं इधर तो हमारा ओशन है तो जो ये जिग्सॉफ फिट वाला जो एग्ज़ाम्पल दिया था ना कॉन एल्फ्रेड वेगनर ने कि ये एकदम परफेक्टली फिट हो रहे हैं साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका एक दूसरे के साथ बट ऐसा है नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये ओशन के अंदर भी है ये जैसे दिख रहे है वैसे है नहीं एक्चुअली कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के बारे में आपने पढ़ा होगा यहाँ पे ओशंस में भी उसके कुछ पार्ट हैं ठीक है ठीके? तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के ऊपर ही बेस करके सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हैरी हेस है ने कहा तो इसके पहले एल्फ्रेड बेगनर ने जो हालांकि जो उन्होंने कहा था वो सही था कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे सही में जो पहले पैंजिया था वो बाद में ड्रिफ्ट हुआ टूटा जिसका नाम था अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड वो फिर जाके फर्दर टूटा एंड इधर उधर खिसक के आज उसकी पोजीशन अलग है लेकिन उसके पीछे जो उन्होंने फोर्सेस बोले जो कारण बोला वो मॉडर्न साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये जो हैरी हेस जी हैं उन्होंने इसको प्रूव किया एंड उनकी थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेड भी हुई तो उसके पहले मैं आपको सी फ्लोड स्प्रेडिंग पर आने से पहले बता दूँ कन्वेक्शन करेंट थ्योरी ये कन्वेक्शन करेंट थ्योरी एक्चुअली दिया किसने था आर्थर होम्स ये जो इमेज आप देख पा रहे हो ये हैं आर्थुर साहब इन्होंने ये थ्योरी दिया था ठीक है तो कन्वेक्शन करेंट थ्योरी को समझने से पहले मैं आपको ये डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए ये अर्थ के अंदर अर्थ के अंदर हम लोग जहाँ तक जानते हैं मोल्टेन मटेरियल होते हैं है ना कुछ गर्म पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं मैग्मा जिसको हम लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्चुअली रेडियो एक्टिव जो है कि मैं कलर चेंज करती हूँ यहाँ पे एक्चुअली रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका डीके होता है अर्थ के अंदर अर्थ के अंदर जो कोर है कोर के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसका डीके होता है एंड उस डीके से क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस होता है क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो जो इसके अंदर के जो रॉक मटेरियल्स है ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि हमें पता है ना कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो हीट देने तो के बाद क्या कहते हैं वो ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स अलग होने लगते हैं सेपरेट होने लगते हैं एंड वो ऊपर की तरफ उठते हैं तो कहीं कही ना कहीं जो मैग्मा है जो अंदर का जो मोल्टेन मटेरियल है वो ऊपर की तरफ जाता है एंड ऊपर का जो मैग्मा या फिर ऊपर का जो लावा है जो मोल्टेन मटेरियल है वो ठंडा मोल्टेन मटेरियल नीचे की तरफ आता है तो कहीं कही ना कहीं ये एक साइकिल बना रहा है तो इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं ठीक है, है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से समझिए तो ये हमारा कन्वेक्शन साइकिल हुआ अच्छा अब ये जो आप देख रहे हो ये क्या है ये एक्चुअली प्लेट है ठीक है एंड ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है ये हमारा ओशनिक क्रस्ट है एंड ये हमारा है ग्रीन कलर वाला ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे ये यह सबडक्शन हो रहा है क्या हो रहा है सबडक्शन सबडक्शन क्या होता है कि जब दो प्लेट डाइवर्ज होते हैं एक दूसरे से तो जो वीक प्लेट होती है वो झुक जाती है झुक के नीचे की तरफ से रहता है तो यहाँ पे ये यह जा रहा है तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है कन्वेक्शन मीन्स ये जो मैग्मा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है हॉट मैग्मा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर का ठंडा मोटेन मटेरियल नीचे की तरफ आ रहा है रह क्यों क्योंकि नीचे रेडियो एक्टिव मटेरियल का डीके होने की वजह से क्या हो रहा है हीट प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो ये गर्म होकर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर मैंने लिखा अभी अप ये ऊपर की तरफ जा रहा है जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इधर खिसक रहा है एंड ये इधर से इस तरफ से खिसक जा रहा है तो जब ये खिसक रहा है तो यहाँ पर ये हो क्या रहा है कि ये जो है एक टाइम के बाद यहाँ पे दरार पैदा कर देता है क्या कर देता है फॉल्ट क्रिएट कर देता है फॉल्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ से वो, वो मैग्मा निकल के यहाँ पे क्या बना देता है माउंटेन बना देता है क्या बना देता है माउंटेन बना देता है तो कहीं कही ना कहीं यहाँ ये है ओशन ओशन के अंदर जो तो तो माउंटेन हमें मिलते हैं हम लोग उसे रिज कहते हैं क्या कहते हैं रिज तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या है मिड ओशनिक रेज ये मैं बाद में आपको समझाती हूँ थोड़ा तो तो अच्छे से समझिएगा तो ये है कन्वेक्शन करेंट थ्योरी जो कि आर्थर होम्स ने दिया था आर्थर होम्स का ये कहना था कि भाई अर्थ के अंदर जो कोर है कोर में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका डीके हो रहा है डीके होने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है जो मैगमा है जो मोल्टेन मटेरियल है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर वाला जो है ठंडा मटेरियल वो नीचे की तरफ आ रहा है उसका जगह लेने के लिए तो ये एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं जिस से जो मैगमा जो ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट कर एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये फॉल्ट दरार ये इस तरह से टूट जा रहा है मतलब ये ऐसे टूट जा रहा है टूटने की वजह से यहाँ पे एक माउंटेन बना रहा है जिसको हम लोग रिज कहते हैं क्योंकि ओशन के अंदर का माउंटेन है जिसको हम लोग रिज कहते हैं अच्छा तो कहीं ना कहीं नई क्रस्ट बन रही है यहाँ पे है ना कहीं ना कहीं यहाँ नई क्रस्ट बन रही है तो यहाँ पुरानी क्रस्ट जो है यहाँ पे ये यह देखो डिस्ट्रॉय भी हो रही है इस तरफ से और यहाँ पे नई क्रस्ट बन रही है तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा है कन्वेक्शन करेंट थ्योरी इसके बाद जो है

तो इस तरह से जाने के बाद ये इधर जा रहा है जाने के बाद ये क्या हो रहा है यहाँ पे मिड ओशन रीच बना रहा है एक माउंटेन बना रहा है न्यूअर क्रस्ट बन रहा है मैंने कहा ना ये न्यूअर क्रस्ट यहाँ पे ये बन रहा है और ये जो ओल्डर क्रस्ट ये जो ओल्डर क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट ये ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये इस तरफ से, से फैल रहा है ठीक है दिस इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओके okay, तो ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब समुद्र की जो सतह है यहाँ से जब ये निकल रही है तो समुद्र की सतह क्या हो रही है और ये फैल रही है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब ही क्या हो रहा है सी ये फैल रही है एक्चुअली फैलने की वजह से ही क्या हो रहा है जो कॉन्टिनेंट्स वो आपस में ड्रिफ्ट हो रहे हैं मतलब एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं तो ये था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मेन कॉन्सेप्ट तो इसके दो एग्जांपल्स या फिर इसके दो एविडेंसेस आप देख सकते हो अच्छे से समझने की कोशिश करो ये मैं वर्ल्ड मैप आपको दिखा रही हूँ तो ये है मेरा नॉर्थ अमेरिका एंड तो साउथ अमेरिका या अफ्रीका दिस इज यूरोप तो कहीं ना कहीं इसके बीच में ये जो आप देख पा रहे हो ना ये एक वाइट लाइन आ रहा है दिस इज एक्चुअली क्या है सबसे बड़ा रिज जो मैंने बोला ना कि कन्वेक्शन करेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है कि वो फॉल्ट से क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ माउंटेन बना रहा है तो उस माउंटेन को हम लोग क्या बोलेंगे रिज बोलेंगे तो ये जो है सबसे बड़ा रिज है मिड अटलांटिक जिसको हम लोग कहते हैं आप इसको देख पा रहे हो देखो मैं इसको हटा हूँ आपको ये दिख रहा होगा फिर से देखो यहाँ से इस तरह से ये ऐसे आ रहा है तो ये एक्चुअली क्या है मिड अटलांटिक रिज है तो ये एक तो इसका हो गया एविडेंस आपका सी फूड स्प्रेडिंग का समुद्र की सतह क्या रही है फैल रही है समुद्र की सतह फैल रही है सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है जिस वजह से ये कॉन्टिनेंट्स इधर खिसक रहे हैं और ये कॉन्टिनेंट्स इधर खिसक रहे हैं तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए एल्फ्रेडनर वेगनर ने लेकिन कुछ फोर्सेस के बारे में कहा था उन्होंने एग्जैक्ट कारण नहीं दिया था बट सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हैरी हैस ने बहुत अच्छे से इस कारण को बताया कि नहीं सी फ्लोर के स्प्रेड होने की वजह से कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो रहे हैं ठीक है तो ये तो था पहला एविडेंस दूसरा देखते हैं देखिए इस इमेज में मैंने क्या दिखाया हुआ है कि ये जो मोल्टेन मटेरियल है ये मोल्टेन मटेरियल देख रहे ये ऊपर की तरफ जा रही है मैंने बोला ना कि यहाँ पे एक क्रैक एक फॉल्ट क्रिएट कर देगा यहाँ पे एक रिज बना देगा वो एक माउंटेन की तरफ है। यहाँ से ही वो निकलेगा यहाँ से वो मिड मिड ओशनिक रिज या फिर मिड अटलांटिक रिज एक्चुअली हम लोग कहते हैं इसको तो आप जो भी कह सकते हो न्यू रॉक एडेड टू ईच साइड ऑफ द मिड ओशनिक रिज मिड ओशनिक रीच के दोनों साइड में नए नए रॉक्स बन जाएंगे ये हमारा कॉन्टिनेंटल सॉरी ओशनिक क्रस्ट है एंड ये हमारा मोल्डन मटेरियल यहाँ से निकलेगा तो ये इस तरफ आ, फैलेगा देखिए ये इधर फॉल्ट आ गया ना तो ये इधर फैलेगा इधर ये जाएगा ये ड्रिफ्ट हो रहा है एक्चुअली इस वजह से तो ये है एक्चुअली सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा तो चलिए कुछ थियोरेटिकल चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैन ओशनिक प्लेट्स डाइवर्ज टेंशनल स्ट्रेस कॉजेज फ्रैक्चर टू ऑकर द लेथॉसफियर यहाँ पे ये कह रहा है कि जब ओशनिक प्लेट्स डाइवर्ज हो रहे हैं मैंने कहा ना कि डाइवर्ज हो रहा है ओशनिक प्लेट्स यहाँ पे डाइवर्ज होने की वजह से वो कैसे डाइवर्ज हो रहा है क्योंकि नीचे से जो है वो मोल्टन मटेरियल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है मैग्मा जो है कंटिन्यूअसली अपवेलिंग कर रहा है ऊपर की तरफ जा ऊपर की, की तरफ जाने के बाद क्या कर रहा है वो एक टेंशनल फोर्स वहाँ पे क्रिएट कर रहा है टेंशन क्रिएट कर रहा है जिस वजह से वहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट हो रहा है टेंशनल स्ट्रेस की वजह से वहाँ पे फ्रैक्चर्स हो रहे हैं लिथॉस्फेयर में इस वजह से क्या है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ब्रेक हो रही है ओके वहाँ से फिर क्या हो रहा है कि बेसल्टिक मैग्मा जो है वो राइज हो रहा है उस फ्रैक्चर से उस फॉल्ट से क्या है मैग्मा निकल रहा है एंड कूल्स ऑन द ओशन फ्लोर ठंडी हो रही है वो मैग्मा क्योंकि वो गर्म है जब वो ऊपर आएगी कॉन्टिनेंट के ऊपर मतलब लिथॉस्फेर के ऊपर आएगी तो जाहिर सी बात है वो ठंडी होगी ठंडी होगी वो वहाँ पर क्या बनाएगी नया सी फ्लोर बनाएगी या फिर अपना माउंटेन बनाएगी जिसको नोरेज कहते हैं तो इस तरह से वो अपना काम करेगी द न्यूली फॉर्म सी फ्लोर जो नया जो फॉर्म होगा सी फ्लोर या फिर ओशनिक क्रस्ट मैंने कहा ना कि जब ओशनिक क्रस्ट नहीं बन रही है प्लस साथ में जो उधर ओशनिक क्रस्ट है वो नीचे खत्म भी हो रही है इस तरह से बैलेंस मेंटेन रह रहा है तो न्यूली फॉर्म जो सी फ्लोर है जिसको हम लोग ओशनिक क्रस्ट बोलेंगे वो मूव करता रहेगा ग्रेजुअली रिच के आसपास मतलब रिच के आसपास जो बनेगा ओशनिक रिज जहाँ पे बनेगा एंड इट्स प्लेस इज टेकन बाय एन इवन न्यूअर सी फ्लोर एंड द साइकिल रिपीट्स एंड इस तरह से ये साइकिल क्या होगा रिपीट होता रहेगा कन्वेक्शन करेंट का तो इस वजह से जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम ओल्डर रॉक्स आर स्प्रेड Farther away from the spreading zone, while younger rocks will be found nearer to the spreading zone. तो time बीते बीते क्या वो एक दूसरे से खिसकते रहेंगे एक दूसरे से दूर move करते रहेंगे and उस बीच वाले जगह पर जहाँ से fracture हुआ है वहाँ से वो न्यूली आ, हमेशा क्या होगा new sea floor वहाँ पर बनता रहेगा वहाँ पर mountains, ridges बनते रहेंगे तो ये तो था basic concept अब हम लोग कुछ एविडेंसेस के बारे में पढ़ते हैं स्प्रेडिंग के तो सबसे पहला तो है कि नेचर ऑफ ओशनिक रॉक्स अराउंड मिड ओशनिक रीजेस तो ओशनिक रॉक्स जो फॉर्म हो रहे हैं मिड ओशनिक रीज के आसपास वहाँ पे किस तरह के रॉक्स हो रहे हैं रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रीजेस फ्रॉम क्रेस्ट वेर फाउंड टू मैग्नेटिक ओरिएंटेशन जो रॉक्स बन रहे हैं उनका जो कॉन्स्टिटेंस uh, है उनका जो एज है जिस एज में वो बन रहा है फिर उनका जो ओरिएंटेशन uh, है मैग्नेटिक मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ये सब जो है वो सिमिलर है एक डिस्टेंट लोकेशन में पाए जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिड ओशन रीजेस के आसपास जो रॉक्स बन रहे हैं जो माउंटेन या रीजेस बन रहे हैं वो सेम सिमिलैरिटीज हमें मिलती हैं Rocks closer to the mid-oceanic reaches have normal polarity and are the youngest and the age of the rocks increases as one moves away from the crest. So मिड एक रीज़स के आसपास जो रॉक्स में जो मैंने रिज बोला एक्चुअली या फिर जो रॉक्स बोला वो उनका जो पोलैरिटी है वो सेम है ठीक है ये आपको जियो मैग्नेटिज्म या पैलियो मैग्नेटिज्म जब आप चैप्टर पढ़ोगे जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से ये पता चलेगा कि कैसे वहाँ पे पोलैरिटी या फिर मैग्नेटिज्म वो मेनटेन करके रखता है ठीक है द रॉक्स ऑफ द ओशनिक क्रस्ट नियर द ओशनिक रीजेस आर मच यंगर द रॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो जो ओशनिक रीजेस के आसपास ओशनिक क्रस्ट के आसपास जो रॉक्स बन रहे हैं या फिर ओशनिक रीजेस के आसपास जो बन रहे हैं रॉक्स वो बहुत ही यंगर है मतलब न्यूली क्योंकि नया नया फॉर्म हो रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के रॉक्स के कंपैरिजन में तो ये तो था ओशनिक रॉक्स का नेचर एक्चुअली ये एविडेंसेज है क्योंकि मिड ओशनिक रीजेस के आसपास ही रॉक्स बन रहे हैं रीजेस बन रहे हैं तो उसके आसपास का उसका नेचर कैसा रहेगा ये मैंने बता दिया अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ कोलॉन्ग दी मिड ओशनिक रीजेस तो मिड ओशनिक रीजेस के आसपास

And भी देखने को मिलते हैं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ सपोर्ट ऑफ दी फ्लोर स्प्रेडिंग थियोरी एंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑन दी फ्लोर इज नाइन पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस नीयर द रीज इट बिकम्स हायर इंडिकेटिंग एंड अपवेलिंग ऑफ मैगमेटिक मटेरियल फ्रॉम द मेंटल कहीं कि मतलब क्या है कि सी फ्लोर का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो नाइन पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस है बट रीजस के पास इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है इसका मतलब कि रीजेस के पास क्या हो रहा है मोल्टे मटेरियल जो है मैगमा गर्म मैगमा निकल रहा है तो मैगमेटिक मटेरियल ऊपर की तरफ आ रहा है मेंटल से अपवेलिंग हो रहा है जिस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर ज़ाहिर सी बातें ज़्यादा होगी तो ये भी एक एविडेंस हो गया तो इस तरह से सी फ्लो स्प्रेडिंग को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छे से देखिए ये जो मिड अटलांटिक रिज है यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इधर ही इसके आसपास ही आपको अर्थ को एक एन वाली आपको देखने को मिलेंगे एंड ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिज है याद रखिएगा आई होप आपको सी फ्लोड स्प्रेडिंग समझ आया होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है अगर इस थ्योरी से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए तब तक के लिए गुड बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक यू